एआर रहमान और उनकी एक्स वाइफ सायरा शादी के 29 साल के बाद जैसे ही अलग होने का ऐलान किया तो कोहराम मच गया। रहमान के तलाक के ऐलान के बाद ही सोशल मीडिया पर दोनों के कलेक्शन को लेकर कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। इन खबरों पर रहमान ने एक सख्त कदम भी उठाया था। रहमान की वकील ने नोटिस जारी करते हुए ये कहा था कि अगर उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वाले पोस्ट 24 घंटे में नहीं हटेंगे तो वो लीगल नोटिस भेजेंगे। वहीं अब उनकी एक्स वाइफ ने भी रिएक्ट किया है। सारा ने कहा कि उन्हें बदनाम न करें। सारा ने अपने बयान में कहा, कुछ महीनों से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ और इसीलिए वो यार रहमान से अलग होना चाहती थी। अपनी वकील वंदना शाह द्वारा शेयर किए गए वॉइस नोट में सारा ने खुद को सायरा रहमान बताया और यहाँ तक कि एआर रहमान पर भरोसा करने के साथ ही उन्हें एक नगीना भी कहा। वॉइस नोट में उन्होंने कहा, मैं सायरा रहमान यानी कि सायरा बानो हूँ और अभी मुंबई में हूँ। मैं पिछले कुछ महीनों से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ और यही वजह है कि मैं यार रहमान के साथ रिश्ते में अलग होना चाहती हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूबर्स तमिल मीडिया और से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज उनके खिलाफ कुछ भी बुरा ना कहें। एक बहुमूल्य रत्न है, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। इसी के साथ बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं चेन्नई में नहीं होती तो आप लोग सोचते सारा कहाँ है। मैं यहाँ मुंबई आ गई हूँ और अपना इलाज करवा रही हूँ। मैं ना तो एआर को और ना ही अपने बच्चों को परेशान करना चाहती थी। एआर रहमान एक बेहतरीन इंसान है और मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करूँगी, कृपया उन्हें पैसे ही रहने दें जैसे कि वो हैं। मैं उन पर भरोसा करती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। सारा बानो ने आगे ये भी कहा, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाना बंद करें। जब तक कुछ भी आधिकारिक घोषणा नहीं है हमें अकेला छोड़ दे। मैं अपना इलाज करवाने के बाद चेन्नई वापस आऊंगी। कृपया उनके नाम को बदनाम करना बंद करें। उनके बारे में फैल रही बातें बिल्कुल बकवास हैं। वो एक कीमती रत्न है। धन्यवाद। आपको बता दें कि यार रहमान ने 1995 में सायरा बानो के साथ शादी की। उनके 3 बच्चे हैं, खदीजा, रहीमा और अमीन। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।